गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आज सब चले गए थे, बच्चे भी गए थे, मुकेश भी चले गए, घर पे अकेली थी। और अभी मैं सामान लेके बैठी हूँ। नहाना धोना तो मेरा सुबह ही हो गया था, बट सुबह उसके बाद फिर मैं लेट गई थी थोड़ा सा, रात को थोड़ा सा अनइजी हो गई थी मैं। और अभी उठी थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा बैठे बैठे कुछ काम कर लेती हूँ, तो मैं ना ये सिलाई मशीन लेके बैठ गई। दिखाती हूँ आप, ये देखिए ये हालत हो रखी है मेरे कमरे की। ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे सिलाई मशीन रखी हुई है, वो कपड़े मैंने सिल दिए हैं, और ये सारे बैग्स। तो मतलब बेड पे ही मैंने अपना सारा सामान रख लिया था और लगी थी सिलाई करने। एक्चुअली बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, वो होता है ना घर में छुटपुट छुटपुट, जो थोड़ा सा कहीं से टांका निकल गया, कहीं से कुछ हो गया, वो रखा था। लेकिन घर के कामों में, यूट्यूब के काम में टाइम ही नहीं मिलता था इन सबको करने का। तो आज मैंने कहा ठाली बैठी हूँ तो आज ये कर लूँ। कल मैंने लड्डू जी गोपाल का श्रृंगार किया था और आज मैं ये कपड़े लेके बैठ गई हूँ। तो आज ये सुबह सुबह कह रहे थे रोज़ रोज़ मत करो, कभी फिर पैर में ज़्यादा स्वेलिंग आ जाए, तो रेस्ट करो फिलहाल। मैंने कहा हाँ, सारी लाइफ रेस्ट ही रेस्ट है, और करना क्या है। तो चलिए कर लेती हूँ, अभी थोड़ा सा और बचा है, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना, तो फिर उनके साथ बिज़ी हो जाऊँगी। बेशक कुछ काम ना करूँ, लेकिन उनको टाइम तो देती हुई है अपने बच्चों को, तो फिर उनके साथ बिज़ी हो जाऊँगी। और मैंने ना खाने वाली लगा ली है अब, सफाई वाली, तो मेरी उसी दिन आने लगी थी जिस दिन मुझे चोट लगी थी। उस दिन भी मतलब मैंने सफाई नहीं की थी, जो काम वाली है उससे कराई थी, और उस दिन से वही कर रही है। आज मैंने खाने वाली का भी अरेंज कर दिया। कल पापा आए, आते ही चिल्लाने लगे, कहते हैं कि ये सब क्या कर रही है, और इतनी चोट लगी हुई है और तूने ऐसे कर रही है, और मुकेश को भी परेशान कर रही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं परेशान नहीं कर रहे थे, एक्चुअली अभी तक चल रहा था काम, बट वही है ना कितने दिन चलेगा ऐसे, दो दिन चार दिन पाँच दिन हो गए मेरे को बेड पे लगे हुए, तो बच्चे कितने दिन बाहर का खाएंगे, कितने दिन ये उल्टा सीधा खाएंगे। तो आज सुबह भी बच्चे मैगी लेके गए थे टिफ़िन में, इन्होंने मेरे घर पहले भी खाना बनाया था एक महीने के लिए, तो पापा ने कहा कि नहीं तुम उनको ही बुला लो खाने के लिए, तो खाना बन जाएगा सारा और थोड़ा सा इजी हो जाएगा और थोड़ी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि पापा ने देखा ना पैर, तो उनको लगा कि अभी तो रिसेंटली ठीक होने वाला नहीं है। वैसे मुझे लग रहा है मैं तीन चार दिन में चलने लगूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी पैर अभी तक था कि मैं जैसे जाती थी ना चेयर का सपोर्ट लेके जाती हूँ, तो पैर को ऊपर करके जाती थी एक पैर से, लेकिन अभी ये हो रहा है कि थोड़ा सा पैर मैं रख पा रही हूँ। तो बस चलिए कर लेते हैं अपना काम और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो मम्मा यहाँ सिलाई कर रहे हैं, मेरी फ्रॉक पे लेस लगा रहे थे मम्मा, यहाँ देख सकते हैं गोल्डन लेस है फ्रिल्स वाली, ये भी कंप्लीट होने ही वाली है, इसका आपको फाइनल लुक भी देंगे। पर ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, इसका ये गोल्डन कलर है, इतने अच्छे कैमरे में नहीं दिख रहा है जितना ये मतलब ऐसे प्यारा है। तो ये है हमारा फाइनल लुक, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ये। तो यह इसका क्रेडिट जाता है हमारे मम्मा को, धन्यवाद, आपको मिलते हैं शाम को। नहीं सुनना, उठना, उठना। यहाँ पर बच्चों का चल रहा है उठने का सिलसिला, ये सो गए थे दोनों स्कूल से आके खाना पीना खा के, और अभी मैं टुकू को उठा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ इसको बेटा चाय बना दे, ये उठ ही नहीं रहा है, ये मम्मी को प्यार नहीं करता है ना चोना, ये चोने चोने गुड्डा बहुत देर से ट्राई कर रही है उठाने का, पर वो उठ ही नहीं रहा। मैं भी उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा। और पता है गुड्डू चाय बना देती है मेरी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनाती जितना टुक्कू बनाता है, टुक्कू की चाय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी सड़ी हुई होती है। सड़ी हुई होती है। ओ नहीं यार, अच्छी चाय बनाता है। मैं उसको कह रही हूँ बेटा चाय बना दे, चाय बना दे, लेकिन उठ ही नहीं रहा, एक्चुअली सो भी नहीं रहा है, आलस में आया हुआ है, पढ़ना लिखना इसमें है नहीं, चाय बनाएगा। और ये अपनी ना चाय की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है बहुत जल्दी। वो कह रहा था कि मुझे भी ब्लॉग बनाना है कि मैं चाय कैसे बनाता हूँ, है ना जो ना? देखो अभी आँख खुली नहीं। ये आप सब लोगों के साथ शेयर करेगा मेरा शोना बेटा कि ये चाय कैसे बनाता है।
है ना। चलो सब लोग बोलो इसको, उठ जाओ। मैंने रूम शिफ्ट कर लिया है, आज मैं इस वाले पुराने रूम में आ गई हूँ। एक्चुअली ये बेडरूम है तो बच्चों का, लेकिन हम लोग इसे गर्मियों में घेर लेते हैं। सर्दियों में हम उस वाले रूम में रहते हैं। अभी कुछ दिन से बारिश थी ना, मौसम ठंडा था, और उसके बाद जैसे मैं हॉस्पिटल से आई थी ना, तो मुझे उसी रूम में बिठा दिया था मुकेश ने। तो फिर बस अब अपन की हालत तो ये थी, अपन तो कहीं जा नहीं सकते, जहाँ बिठा दिया। तो कल से थोड़ा पैर ज़मीन पे रखने लगी हूँ, तो बस फिर मैं रात को इधर आ गई थी। इस रूम में सुकून मिलता है। ये एक्चुअली ये रूम ना डार्क है, डार्क मीनिंग दबा हुआ है। इधर सामने की तरफ भी रूम है और इधर से भी पूरा कवर है। उधर वाली जो विंडो है, साइड में भी विंडो है, दरवाज़ा है, फिर सब लोगों का आना जाना रहता है पीछे आंगन में, तो उसमें ना उजाला बहुत ज़्यादा रहता है। तो माइग्रेन की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है, शोर शराबा भी ज़्यादा होता है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर इसी रूम को करती हूँ गर्मियों में, कि ये ठंडा भी है, ठंडा तो वो भी, इतना गर्म तो वो भी नहीं है। उसमें क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी है, बट एसी भी इसी रूम में है। फिर बहुत सारे रीजंस है, मेन रीज़न तो मेरा इस रूम में रहने का डार्कनेस ही है, कि ये डार्क है। और माइग्रेन की वजह से मुझे ना जब जब काम कर रही होती हूँ तो ठीक है, और जब मैं खाली होती हूँ, बट पढ़ाई हो रही है ना, ये पढ़ाई हो रही है। अच्छा मैं सुन ले रही हूँ, एक ये पढ़ाई हो रही है, धीरज, मेरी क्लास का बच्चा, शीश, सिंह, अरे ये मेरी डांस, स्वदेश, अपना देश भारत, हरना, दूर करना, अभी भी नहीं याद हुआ, शीश, सिंह, तरु, पेड़ वृक्ष, भाव, जो कुछ मन में जाए, अभी जस्ट लाइक मुझे मन में आ रहा है कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूँ, सो आई कैन, मम्मी क्वेश्चन आंसर सुन, हाँ हाँ रुको, क्वेश्चन आंसर सुनो, आप गुंडा से सुन रहे हो, मुझसे नहीं सुन रहे हैं। धीरज, धैर्य, धैर्य, कवि जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए किससे कह रहा था, किसी को समझ में नहीं आया, कवि जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए जलधारा के पानी को कह रहा है। ये देखो जानवर। मम्मी ने ना घर से ये वैली भेजी है मेरे लिए, ये वो है ग्रीन कलर, हाँ ग्रीन कलर है, और एक ये भेजी है गुड्डू के लिए स्लीपर भेजे हैं, सुंदर से लग रहे हैं, बड़े क्यूट से, और मेरे को लग रहा है ये मेरे ही पैर में आएंगे, क्योंकि सेम साइज़ लग रहा है। अब इनके पैर बड़े हो गए ना, एक गुड्डू के लिए ये भेजे हैं, ये वाले, बट ये तो चलो नॉर्मल है, लेकिन ये बड़े क्यूट से लग रहे हैं। गुड्डू पहन के दिखा, ये वाले पहन के दिखा, ये अच्छी लग रही है यार, है ना, वो ब्लैक है, सबके साथ जाएगी भी, हाँ सबके साथ जाएगी, पर पार्टी भी रहनी है, बस नॉर्मल है, ट्यूशन वगैरह जाओ ऐसे है। वो मेरी मेरी बेची लग रही है, सो स्वीट, मेरी ज़्यादा सुंदर है, तेरी दिखा मेरे पैर में आएगी, दिखा, नहीं आ रही यार, नहीं आ रही, देख तेरे को बड़ी आ रही है, मेरे को बहुत छोटी आ रही है, अभी बेटा माँ है तुम्हारी। तो आज रॉक्सी बहुत दिनों बाद खाना खा रही है, 5 दिन हो गए मैडम ने खाना नहीं खाया है, और आज ये खा रही है। पहली बार तो मैंने इसको ऐसे खाना खाते हुए देखा, वरना तो ये खाती नहीं है, मम्मी जब इसके मुँह के अंदर हाथ डालते हैं तब खाती है, वरना तो सब्जी, पर आज इनका फेवरेट आलू है, और मम्मी खिला रही है ना, इतना नखरीला बच्चा, मतलब जिसको ये भी नहीं है कि मम्मी बीमार है और खुद से खाना खा ले, मतलब मैंने कोई डॉग नहीं देखा जो हाथ से खाना खाता है, मैंने ऐसा डॉग कहीं नहीं देखा जो हाथ से खाना खाता है रॉक्सी, सारे डॉग्स तो भूखे रह जाते हैं खाना खाने के लिए, और इसको मैडम को एक एक टुकड़ा खिलाना पड़ता है। आज हमारी मैम ने हमारे बस नंबर लिखे थे छोटे बच्चों की तरह, क्यों, वो इसलिए ना कि जाम लगा हुआ था, फिर हम वो क्लास वाले बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे सबसे पहले हम बस में पहुंचेंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे, इससे इतना क्योश कर देते नीचे, और बस अनाउंस होगी नहीं और वो भाग जाएंगे। तो फिर मैम ने कहा था कि अब मैं तुम्हें देख देख, अभी ना सब लोग सो चुके हैं,
और मुझे दर्द हो रहा था, नींद नहीं आ रही है। गुड्डा को उठाया हुआ है, गुड्डा भी चाय बना के ला रही है मेरे लिए। चाय पीऊँगी फिर मैं सोऊँगी। आज पूरा दिन ना पूरा बॉडी ऐसे अकड़न सी हो रही है, शायद कुछ मौसम भी ठंडा है ना तो उसकी वजह से भी शायद है। मेरे शोल्डर में भी बहुत ज़्यादा पेन है, आज चोट के ना दर्द अब निकल निकल के आ रहे हैं। जिस दिन लगी थी उस दिन तो बस ये था कि हाँ पैर में ही लगी है, चल फिर पा रही थी, सब कुछ हो रहा था। बस पैर अब मैं ज़मीन पर रख रही हूँ, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रखा जा रहा था, एक पैर ऊपर उठा के फिर चल रही थी, तो अभी वो चीज़ तो नहीं है बट हाँ, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही। बाकी आज ये बोल रहे थे दिखा के लाने के लिए कि कल दिखा के लाऊँगा। वैसे मुझे पता है क्योंकि वो होता है ना मांस फटना जो बोलते हैं, तो वो है, तो उसमें क्या होता है कि उसको हील करने में टाइम लगता है और उसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, वो अपने आप ही हील होता है जब होता है। तो लेट्स सी देखेंगे क्या होगा। और आज मैंने ना बिंदी भी नहीं लगाई है। सिंदूर तो मैंने लगाया हुआ था बट बिंदी नहीं लगाई है। कोई नहीं, पहले भी नहीं लगाती थी मैं बिंदी, बहुत रेयर होता था मैं बिंदी लगाती थी, बट अभी मैं लगाने लगी थी बिंदी काफ़ी टाइम से कि हाँ मैं लगा लेती हूँ, बट आज लगी ही नहीं। सुबह से याद ही नहीं रहा। सही बात है यार, दर्द है पूरी बॉडी में, दर्द है शोल्डर में, बैक में, लेग में, हर जगह पेन है आज पूरा। बस सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो आज व्लॉग भी ऐसा कुछ खास शूट नहीं किया। और जो खाना बनाने वाली लगाई थी आंटी, उनके घर में काम स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली वाइट वॉश कराना था उनको अपने घर में, तो उन्होंने वाइट वॉश स्टार्ट कर दिया, तो वो आज ही आ जाए थे, वो कल के लिए मना कर गए, कहते मैं कल से नहीं आऊँगी। तो देखो किसी और को देखते हैं, कोई और आएगा, क्योंकि काम तो कराना ही है फ़िलहाल। अभी तो नहीं लग रहा मैं दो चार दिन उठ पाऊँगी, और बच्चे हैं फिर इनको भी बड़ा मुश्किल हो रहा है सारा कुछ करने में। हो गया दो तो चलिए ठीक है, फिर आज का ब्लॉग हम यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं कल आपको। एक आई विल ट्राई अच्छे से ब्लॉग में अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। और एक चीज़ और, इन परिस्थितियों में भी लाइक जैसी सिचुएशन में मैं अभी हूँ, आप लोगों को ब्लॉग देने का ट्राई कर रही हूँ, जैसा भी मुझ पर हो पा रहा है अच्छा बुरा, जैसा भी कर पा रही हूँ अपनी साइड से ट्राई कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा प्यार दें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। बाय।